देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। इस साल हमारे देश ने धूमधाम के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। वहीं इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ध्वजारोहण किया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जिलों से ये तस्वीरें आज सुबह निकलकर सामने आई, जहां पर गणतंत्र दिवस बेहद ही भव्यता के साथ मनाया गया है। कोरोना महामारी का असर भी इस त्योहार पर देखने को मिला। बावजूद इसके जवानों के पराक्रम को याद करते हुए आज देश भर में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहली तस्वीर फरीदाबाद से आप देख पा रहे हैं। वहीं फतेहपुर, फिरोजाबाद, हमीरपुर, रामपुर, मैनपुरी से ये तमाम तर तस्वीरें आई हैं, जहां पर भव्यता के साथ आज गणतंत्र दिवस मनाया गया है। परेड का आयोजन किया गया है, जहां पर पुलिस बलों ने परेड का आयोजन किया था। वहीं पर ध्वजारोहण कर शहीदों को याद किया गया। वहीं यूपी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अखिलेश यादव को औरंगजेब शब्द से नवाजा है। उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से करते हुए कहा कि जैसे औरंगजेब अपने बाप को कैद करके मार के खिपोरे में पानी पिलाते थे, ऐसे ही मुलायम सिंह को भी कैद कर लिया गया है। अगर अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की सेवा कर रहे होते तो प्रतीक यादव की पत्नी भाजपा में नहीं आती। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव इसलिए भाजपा में आई है क्योंकि वह मुलायम सिंह यादव की सेवा कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव औरंगजेब हैं ये दूसरे, और जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके मार के खिपरा में पानी पिलाते थे, ऐसे ही आदरणीय मुलायम सिंह जी को उन्होंने कैद कर दिया है, उनको बंद कर दिया है, घर में बंद हैं आदरणीय मुलायम सिंह जी। जब चाहते हैं जब बुला लेते हैं, जब चाहते हैं जब उनको घर में बिठा देते हैं। तो इसलिए ऐसे औरंगजेब के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। वो सेवा कर रहे होते तो आज प्रतीक यादव की पत्नी हमारे बीजेपी में नहीं आई होती। आज प्रतीक यादव की अपर्णा यादव जो हैं बीजेपी में इसलिए आई हैं कि सेवा वो कर रही हैं, और ये तो औरंगजेब हैं, बिल्कुल कैद कर रखा है उन्होंने। जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को कैद किया था, ऐसे ही उन्होंने आज अपने पिताजी को कैद कर रखा है आदरणीय मुलायम सिंह जी को। वहीं अमेठी में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां संभावित प्रत्याशी लंबे समय से क्षेत्र में अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने अमेठी जनपद के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से रचना कोरी को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद क्षेत्र में पिछले लंबे समय से वो लोगों के साथ जनसंपर्क कर रही है। सपा नेत्री विमलेश सरोज के समर्थकों में इसमें आक्रोश देखने को मिला है। विधानसभा की घोषित प्रत्याशी रचना कोरी को समाजवादी पार्टी से हटाने की मांग की गई और कार्यकर्ताओं ने विमलेश सरोज के समर्थन में नारे लगाए हैं और उनके तरफ से लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क भी किया जा रहा है। विमलेश सरोज जी को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग पार्टी के सिद्धांतों नीतियों को मानेंगे, लेकिन जो जनमानस की आवाज है वो जनमानस की आवाज को हम लोग रोक नहीं पाएंगे। मतदाताओं में इतना आक्रोश है कि जो व्यक्ति जो और अन्य दावेदार थे उनमें से किसी और को बात किया जाता तो ठीक था, लेकिन बाहरी प्रत्याशी को ला करके टिकट दिया गया है जो क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिया, क्षेत्र के कभी लोगों के दुख सुख में कभी शरीक नहीं हुई है। ऐसे प्रत्याशी को टिकट देने से फायदा क्या है? वो डमी कैंडिडेट है, चुनाव हारेगी। जैसे जगदत्त कोरी जी चुनाव हारे थे उसी तरीके से वो चुनाव हार जाएंगी। हम लोगों का मनोबल टूट जाएगा और किसी प्रकार का कोई मुंह दिखाने लायक हम नहीं रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा है। इस दौरान कल्याण सिंह के बेटे और सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने इसके लिए आभार जताया। आगे सांसद राजवीर सिंह ने कहा कि बाबूजी सर्व समाज के व्यक्ति थे। देखिए, मैं भारत सरकार का आभारी हूं कि बाबूजी के लिए आज जो पद्म भूषण जो पुरस्कार दिया है, इसके लिए पूरे समाज में एक अच्छा सा माहौल गया है। बल्कि बाबूजी सभी समाज के लोग थे, सभी समाज के लोग आज खुश हो रहे होंगे। भैया
वहीं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार एसके शर्मा ने अपनी पार्टी के समर्थकों के साथ जुलूस निकाला और लोगों से वोट देने की अपील की। आपको बता दें कि भाजपा से टिकट ना मिलने के बाद एसके शर्मा ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना भाग्य आजमाया है। जन जन का समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग हर जाति हर धर्म सब करके लोगों का समर्थन मिल रहा है। मथुरा की जनता ने खाना है, मथुरा प्रवर्तन कराना है और शर्मा को वही। औरैया में शहर कोतवाली अंतर्गत स्थित पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में 73वें गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डीएम और एसपी मौजूद रहे। डीएम और एसपी ने ध्वजारोहण करते हुए सलामी ली। पुलिस लाइन ग्राउंड में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जा रहा था, जहां पर कोविड नियमों को देखते हुए औपचारिकता के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा मीडिया कर्मियों और तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। वहीं देवरिया में पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीपति मिश्र के निर्देशानुसार सदर क्षेत्राधिकारी श्रेयस त्रिपाठी और एसडीएम सौरभ सिंह ने अपनी टीम के साथ सीमा सुरक्षा बल के जवानों में लोगों का विवरण लिया है। आपको बता दें कि देवरिया शहर के सिविल लाइन मालवीय रोड हनुमान मंदिर और कई होटलों में रुकने वाले लोगों का विवरण बारीकी से लिया गया। गणतंत्र दिवस पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर एएमयू छात्रों के नेत्रहीन छात्र का इलाज करने से डॉक्टर ने मना कर दिया था। आपको बता दें कि एएमयू के नेत्रहीन छात्र का इलाज करने से डॉक्टर ने मना किया था। वहीं डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन जब बात जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और मरीजों की होती है तो हमेशा सुनने में आता है कि डॉक्टरों की मरीजों और एएमयू के छात्रों से लड़ाई हो जाती है, जिसका अभी तक यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ प्रशासन में कोई समाधान नहीं हो पाया है। डॉक्टर मरीजों को मेडिकल से बाहर निकालकर इलाज करने से ही मना कर देते हैं। दरअसल डॉक्टर ने एएमयू के नेत्रहीन छात्र का इलाज करने से साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद छात्र ने प्राइवेट मेडिकल में अपना इलाज करवाया। हैदर अली ने वाइस चांसलर को खत लिखकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। सुबह में हमें फिर वो मीटिंग हुई तो हमारे जो साथी थे वो गए उनके पास कि सर चलिए उनकी वो मीटिंग रुक नहीं रही है, आप चल के एक बार देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जाओ उसको बुला कर लाओ। तो हमारे पास हमारे साथी है बोले कि चलो, तो हमने कहा हम नहीं चल सकते, हमें वीकनेस भी हो रही है और हमें थोड़ा सा नजर से भी प्रॉब्लम है, तो हम चल के नहीं जा सकते। तो वो बोले, वो हमारे साथियों ने ये बात उनसे बताई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आ सकते तो हम नहीं देख सकते। तो हमारे साथियों ने कहा कि नहीं सर देख लीजिए, उसको प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि हंगामा मत करो यहाँ पे, और अब सब बोलने लगे और काफ़ी रूड मैनर में बिहेव कर रहे थे। फिर उन्होंने जो है सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और हमें बाहर करवा दिया वहाँ से। उसके बाद हमारा जो है इलाज भी नहीं हुआ, हम वैसे ही डिस्चार्ज करा कर चले आए। वहीं अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग कोरोना वैक्सीन लगाने का ग्राफ बढ़ाने को लेकर लगातार मेहनत कर रहा है, लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। जहां एक युवक की मौत 8 दिसंबर को हो जाने के बावजूद भी उसे कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का फोन पर मैसेज आ गया, जबकि जिले में पहले भी ऐसी ही लापरवाही के दो अन्य मामले भी सामने आए थे। उनकी डेथ हो गई 2 महीने पहले, अब 2 महीने बाद ये सेकंड डोज का वो दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपने उसको डाउनलोड किया है क्या? हाँ सर, मैंने डाउनलोड किया है वो, और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है, ये सेकंड डोज का सर्टिफिकेट है। और सर ये है उनकी डेथ सर्टिफिकेट, 2 महीने पहले उनकी डेथ हो चुकी है। अब इस चीज़ को सर क्या कह सकते हैं, ये सरकार की लापरवाही है या फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है? जो वैक्सीनेशन के समय में जो बेनिफिशियरी ने जो मोबाइल नंबर दिया था उसकी लास्ट डिजिट में चेंज था, तो अब चूंकि लास्ट डिजिट का चेंज ऑलरेडी पोर्टल पर एंटर हो चुका था तो मैसेज वहां चला गया है। बट पोर्टल पर अब ये सुविधा कर दी गई है कि अगर इस तरह की त्रुटियाँ हो जाती हैं तो हम बेनिफिशियरी की ID खोल के उसकी डोज को रिवर्ट कर सकते हैं। हम किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन रिवर्ट कर सकते हैं। तो जो स्थिति हमारी इस बेनिफिशियरी की थी वो बनी रहेगी, और जिसको टीका लगा।
अगली खबर बस्ती से है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर छावनी थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 छात्र चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि ये गिरोह हाईवे पर खड़े मालवाहक ट्रकों को अपना निशाना बनाते थे और ट्रक ड्राइवर और खलासी के सो जाने पर ट्रक की तिरपाल काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे, जबकि अभी तक ये गिरोह लाखों का सामान ट्रकों से चोरी कर बेच चुका है। छावनी में एक ट्रक पर लदे हुए खाद्य तेल की, सरसों के तेल की चोरी की गई थी, जिसके संबंध में थाना छावनी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी प्रकार थाना क्षेत्र हरैया में भी एक ट्रक पर सरसों के तेल की चोरी की गई थी, जिसके संबंध में थाना हरैया पर भी मुकदमा पंजीकृत था। उपरोक्त दोनों प्रकरण के खुलासे के लिए लगातार थाना अध्यक्ष छावनी के नेतृत्व में थाना छावनी और बस्ती की एसओजी टीम लगी हुई थी। आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को इस प्रकरण से संबंधित, इन दोनों मुकदमों से संबंधित कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम सत्यवर निषाद, राजेश केवट और उमेश गुप्ता हैं। पूछताछ में 3 अन्य व्यक्तियों का इस घटना में शामिल होना बताया गया है, जो कि अभी भागे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की टीमें प्रयास कर रही हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस लाइन में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी के साथ मुख्य अतिथि डीएम उमेश मिश्रा भी मौजूद रहे। दुल्हन की तरह सजे पुलिस लाइन में मुख्य अतिथि डीएम उमेश मिश्रा ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। वहीं आज गणतंत्र दिवस के मौके पर मथुरा कांग्रेस कमेटी ने प्रभात रैली का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ होली गेट से भरतपुर गेट और डीग गेट से हुआ और इसका समापन होली गेट कैंप कार्यालय पर किया गया। रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा और दोबारा से कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जनता से अपील की। चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सशक्त देंगे, हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, जनता बिल्कुल पक्षधर है कांग्रेस को जिताने के लिए और इसके प्रत्याशी को जिताने के लिए। कांग्रेस के बगैर कोई सरकार नहीं बन पाएगी और हम लोग सरकार में शामिल होंगे। सभी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को और जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराया उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग चलेंगे। और आज जो सरकार जिस तरीके का षड्यंत्र रच रही है, देश को 2 भागों में बांट रही है, हिंदू मुस्लिम में, मैं समझता हूँ अपने कृत्य से भा जाएंगे और देश को और मजबूत करने के लिए सब मिल के साथ करेंगे। और अभी चुनावी माहौल है तो मेरी सभी जनता से अनुरोध है कि कांग्रेस ने जो इस देश को दिया, आप देखिए 7 साल में भी उसको बेच नहीं पाए निर्माण, तो क्या करेंगे, तो उसी पार्टी को फिर से वापस लाएं। वहीं रायबरेली में शराब पीने के बाद 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बच्चे के जन्मदिन समारोह पर शराब पार्टी आयोजित की गई थी, वहीं शराब पीने के बाद कई लोगों की हालत बिगड़ने लगी। वंशीलाल वहीं गांव के जितेंद्र की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज सीएचसी महाराजगंज में फिलहाल जारी है। जिलाधिकारी के मुताबिक एक कार्यक्रम के दौरान शराब पीने वालों की हालत गंभीर हो गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जहरीली शराब की आशंका जताई जा रही है, जिसकी जांच फिलहाल कराई जाएगी। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। कल शाम को यहां पर कोई फंक्शन था, जिसमें कुछ लोगों ने जो शराब का सेवन किया था और उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। लगभग जो बताया गया अभी तक 25-30 लोगों ने यहाँ लिया था और कुछ अलग लोगों ने ठेके पर लिया था। तो जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, लगभग 4 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ और लोगों से भी हमारी बात हुई है, जो 10-15 लोग थे जिन्होंने भी सेवन किया था, उनकी स्थिति ठीक थी, परंतु उनको हमने सावधानी के तौर पर भी CHC रेफ़र कर दिया है, जिससे उनको हम उनकी निगरानी रखेंगे और इसमें FIR दर्ज कराई जा रही है और जो भी इसमें जो स्पिरिट्स लिकर का भी लग रहा है तो उसकी भी पूरी जांच कराई जाएगी और जो पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी को भेजा गया है, जिससे जो मृत्यु का सही कारण है उनकी जानकारी होगी। वहीं
रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर असमय सड़कों पर चल रहे राहगीरों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ रही है। मौत के आंकड़ों को जोड़ते हुए तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आने से एक छात्रा की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मीनाक्षी सिंह साइकिल से लालगंज कोचिंग पढ़ने जा रही थी, तभी कोतवाली क्षेत्र के लालगंज फतेहपुर NH 232 पर सड़क दुर्घटना में छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने फिलहाल ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर लालगंज पुलिस ने फिलहाल ट्रक को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाम एक्सीडेंट आया हुआ है सुबह के 8:40 पे आज 26 जनवरी को, जिसमें कि एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 13-14 साल की रही, छत विछत शरीर थी उनकी, और यहाँ पे बड़ी बैग में ही लाया गया था, जिन्हें देखने के पश्चात ब्रॉटेड घुस। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।